please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Food industry, pet food, animal nutrition, iske saath saath pharmaceuticals mein, dyes mein, biodiesel, petrochemical, agrochemicals, textiles, ye tamam wo sectors hain jahan pe is company ke products ka istemal kiya jata hai. 155 रुपए के हाई से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 40-45% के आसपास नीचे करेक्ट होकर अब इस समय कामकाज कर रहा है और इस कंपनी का मार्केट कैप 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आपको नजर आएगा, जिसमें म्यूचुअल फंड 18-19% स्टेक ओन करते हैं और उसमें भी तगड़े चंक्स ओन करे जाते हैं, जैसे कि SBI MF के पास ऑलमोस्ट 8%, ICICI प्रू के पास 3-4% और इसके अलावा तमाम कैनरा, HSBC, मॉर्गन स्टैनली 1-1% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखते हैं. इस तरह की होल्डिंग है इस कंपनी के पास. फाइनेंशियल्स बड़े स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री पे आपको नजर आएंगे. पहले तो Q4 की टॉप लाइन समझिए, 50% का वहां पे उछाल देखने को मिला था और Q4 की टॉप लाइन ही नहीं, पूरे FY18 फाइनेंशियल ईयर में 32% आय में उछाल देखने को मिला था. पर ये कंपनी लॉसेस क्लॉक करती है और लॉस क्लॉक करने के एक बड़ी रीजन है वो टैक्स के जो एडजस्टमेंट्स देखने को मिलते हैं. एक मिसाल के तौर पे Q4 देख लीजिए, मैं ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देख रहा था. इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दरअसल 19 करोड़ रुपए पॉजिटिव है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8-9% के आसपास आपको नजर आएंगे, तो फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग स्टेट में आपको नजर आएंगे. इस कंपनी ने 2017 नवंबर में QIP के जरिए फंड रेजिंग करी थी, तब 87-88 रुपीज पे करी थी. इसके बाद वॉरेंट जारी करे गए थे जो 90-93 रुपीज के आसपास हुए थे. वो जो QIP जारी करे गए थे, मेरे ख्याल से उसके बाद तो सेलिंग प्रेशर आया और वह प्रेशर अबेट होता हुआ नजर आएगा पिछले कुछ दिनों में, अगर आपने नोटिस करा हो तो. अभी स्वीट स्पॉट में कंपनी क्यों नजर आती है, ग्लोबली सिंथेटिक फूड और एंटी ऑक्सीडेंट इंडस्ट्री जो है 5-6% CAGR से बढ़ रही है और इसमें भी TBHQ और BHA, ये दो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो खास तौर पे फूड में यूरोप में इस्तेमाल करे जाते हैं और कुल मार्केट का इन दोनों से 50% आता है. इन दोनों जिसकी मैंने बात करी, TBHQ और BHA, कैमलिन फाइन उसमें ग्लोबल लीडरशिप रखता है. इस तरह की कंपनी है ये और ऊपर से ये कंपनी अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है, डाइवर्सिफाई कर रही है धंधे को, सिंथेटिक्स में जाने की तैयारी कर रही है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स में जाने की तैयारी कर रही है, एरोमा ब्लेंड्स को का पोर्टफोलियो जो उसे वाइडन कर रही है. तो ये कंपनी बेहद स्ट्रांग बिजनेस में है. इस कंपनी की शेयर होल्डिंग बड़ी स्ट्रांग है, जिसमें खास तौर पर तमाम घरेलू दिग्गज म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड हैं. इस कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ बड़ी तगड़ी नजर आ रही है. सेलिंग प्रेशर जो था वो अब काफी हद तक अबेट होता हुआ नजर आएगा और इसके अलावा जिस स्पेस में, जिस इंडस्ट्री में है, वो अब बड़ी स्वीट स्पॉट में नजर आती है. इसीलिए इसको रडार पे रखा है और लाइकली है कल ये टीम होगा. चले तो ये भी टीम में शामिल हो सकता है. देखिए स्टॉक में तो एक्शन शुरू हो चुका है, 92 के लेवल्स मुझे याद है बीते हफ्ते भी इसमें थोड़ी थोड़ी करके खरीदारी आ रही थी, तो इंटरेस्ट है, निवेशकों का इंटरेस्ट है स्टॉक में. राजेश अग्रवाल, फंडामेंटल्स पर आपकी राय क्या है, इस कंपनी पर आप भी कवरेज रखते थे पहले मुझे याद है. देखिए सही कहा आपने कि पहले हम लोग इसमें कवरेज रखते थे, बट इस वक्त हम लोग इसमें कवरेज में नहीं है क्योंकि अगर आप देखें तो जैसे अभी आशीष ने भी बताया कि बॉटम लाइन नेगेटिव है, लेकिन एक बात अच्छी है कि जिस क्षेत्र में है उसमें ये बहुत अच्छी बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है, कॉस्ट कटिंग कर रही है. अगर आप देखें तो 2-3 महीने पहले इन्होंने एक JV भी किया था सिंगापुर की किसी कंपनी के साथ, और अगर ऐसे ही हालात रहे तो मुझे लगता है कि बॉटम लाइन में सुधार होता हुआ नज़र आएगा. तो इस तिमाही के नतीजे देखने के बाद अगर सही में कुछ बदलाव नज़र आता है तो हो सकता है कि हम लोग इसमें कवरेज दोबारा चालू कर दें, बट इस वक्त के हालात देखते हुए मुझे लगता है कि जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उन्हें होल्ड करना चाहिए. इनफैक्ट मैं मार्च क्वार्टर के नंबर्स देख रही हूँ, कंपनी मुनाफे में आ गई है. दिसंबर वाले क्वार्टर में नेगेटिव था प्रॉफिट 8 करोड़, इनफैक्ट लॉस था, लेकिन उसके बाद मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट कंपनी ने दिखा दिया और मार्जिन्स के पैमाने पर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, तो टर्न अराउंड का काम शुरू हो रहा है ये तो साफ दिखाई दे रहा है पिछले क्वार्टर के नंबर्स को देख कर. राजेश आपका चार्ट क्या कहता है बताइए. हर्षदा जी, यहाँ पे टेक्निकली एक ब्रेकआउट सिचुएशन है, वी कॉल इट एज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन. निकलाइन करीब 90 के आसपास थी, फिलहाल 92.50 पे ट्रेड हो रहा है. मुझे लगता है कि इट्स अ बाय, मोमेंटम तो है. स्टॉप लॉस रखिए 87 का और इसका जो टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म टारगेट वो रहेगा 102 का. अगर प्राइस पैटर्न के लिहाज से जाए तो टारगेट रहेगा करीबन 110 का. ओके, तो आप पहला टारगेट दे रहे हैं 102 का, फिर आगे 110 का, राइट? यस सर. तो चार्ट पर तो एक बढ़िया थम्स अप आ रहा है स्टॉक में, देखिए मोमेंटम भी है, इसके साथ ही म्यूजिक ब्रॉडकास्ट, ये तो हमारे दोनों टेक्निकल और फंडामेंटल जानकार ने वेट कर दिया है, यानी कि कह दिया है, मोहर लगा दी है कि जी हाँ बढ़िया क्वालिटी की कंपनी और ये दोनों ही स्टॉक्स कल के खिलाड़ी बन सकते हैं
इन पर आज ही आपकी नजर होनी चाहिए, वॉल्यूम एक्शन भरपूर है दोनों ही स्टॉक्स में। चलिए शुक्रिया नीरज और आशीष, आप वापस आ जाइए इधर। अश्विनी गुजराल को इस बीच जोड़ लेते हैं। अश्विनी गुड आफ्टरनून। देखिए ऊपरी लेवल से सेल ऑफ आया लेकिन निचले लेवल्स पर थोड़ी बहुत खरीदारी भी हुई है। बैंक निफ्टी कुछ 27,000 की तरफ टूटा, क्या उसका एक डर है इस समय, क्या ये मार्केट के मूड को थोड़ा सा नरम कर सकता है? देखिए इस डिप में बैंक निफ्टी निफ्टी में खरीदारी होनी चाहिए, ये एक इंट्राडे डिक्लाइन है और इस तरह की एक्सपेंशन जो बड़े शेयर्स में होती है टीसीएस रिलायंस एचडीएफसी वगैरह में वो जो है वो मामूली पैसे से नहीं होती, कुछ बड़ा पैसा मार्केट में लग रहा है पिछले कुछ दिनों में, तो उस लिहाज से आपको बाय करना चाहिए। आज वैसे भी बैंक्स में अच्छी मैक्रो न्यूज़ है तो मैक्रो न्यूज़ के चलते जो है एक ऑटोमेटिकली पैसा उस तरफ अट्रैक्ट होता है। आज सुबह कुछ शायद एग्जूबरेंस ज़्यादा हो गई और उसकी वजह से ये बीच में मिड कैप्स में सेल ऑफ आया, लेकिन ऐसा लगता है कि लार्ज कैप स्टॉक्स जो हैं अभी भी इस रैली को सस्टेन कर पाएंगे। हैविंग सेड दैट, फिलहाल आपको बजाज फाइनेंस में बाय करना चाहिए, 2400 का स्टॉप, 2510 का टारगेट। अरविंद में बाय है, 412 का स्टॉप, 430 का टारगेट। और इंडसइंड बैंक में बाय है, 1930 का स्टॉप, 1980 का टारगेट। ओके, तो फाइनेंशियल्स के साथ रहें और इंडसइंड बैंक इस समय स्क्रीन पर लेकर आएंगे 1980 के टारगेट के लिए। अश्विनी का मानना है यहाँ पर तेजी की पोजीशन लेकर चले। बजाज फाइनेंस भी आज सुबह से ही बढ़िया तेजी का मूव दिखा चुका है, 2500 के ऊपर का टारगेट अब आ रहा है अश्विनी की ओर से। तो ये दो तेजी के खिलाड़ी, जो तीसरा स्टॉक इन्होंने अभी सुझाया वो अरविंद, इसका जिक्र हम कर रहे थे आपको याद होगा आधे घंटे पहले 430 के टारगेट के लिए। अश्विनी का भी मानना है कि आप इसमें तेजी करके चले। शुक्रिया अश्विनी इन तमाम स्टॉक्स पर आप अपनी राय देने के लिए। कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं जहां पर इस समय एक्शन है और हिमांग जानी को भी जोड़ेंगे, वो भी तैयार है। इनफैक्ट हिमांग गुड आफ्टरनून, ये जो मैक्रो ट्रेंड की बात अश्विनी कह रहे थे बैंकों में, सबसे बड़ा ट्रिगर तो यही दिखाई दे रहा है, अगर कच्चा तेल इतना टूटा है, इन्फ्लेशन का रिस्क थोड़ा कम होगा तो लोगों ने जमकर निफ्टी बैंक खरीदा, निजी बैंक खरीदे, कुछ सरकारी बैंक खरीदे, क्या इस थीम से आप कन्विंस्ड हैं और तेजी करनी चाहिए फाइनेंशियल्स में? आई थिंक शॉर्ट टर्म एक टेक्टिकल अपॉर्चुनिटी के तौर पे ये स्ट्रेटेजी सही हो सकती है, क्योंकि मोमेंटम जो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक से उसमें लगातार बना हुआ था और क्योंकि क्रूड का दाम हमने थोड़ा कम होता हुआ दिखा है तो उसके कारण जो काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं पीएसयू बैंक्स, उसमें भी जहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट्स का एक्सपेक्टेशन अच्छा है वहाँ पर हम लोग थोड़ी सी बाइंग देख रहे हैं। पर मैं नहीं समझता कि ये जो ट्रेंड है पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स का, ये कोई लंबा उसमें व्यू लेके हम चल सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तो डेफिनेटली हम पॉजिटिव है ही, क्योंकि उसमें एक बड़ा ट्रेंड भी है और नंबर्स भी इंडसइंड बैंक के अच्छे आए और बाकी के बैंक्स के अच्छे आएंगे। तो यस, मैं डेफिनेटली समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो अच्छे चल रहे हैं उसमें थोड़ा और अपसाइड देख सकते हैं। ठीक बात। इस बीच विप्रो स्क्रीन पर लेकर आए 1.5% के उछाल के साथ कामकाज, इनफैक्ट दिन के हाईस की तरफ ये स्टॉक मूव करता हुआ। तो कुछ देर बाद शायद वो एचसीएल टेक के बोर्ड मीटिंग का आउटकम हमारे सामने आए, कल इन्फोसिस के नंबर्स आने, उससे पहले ये स्टॉक दिन के हाईस पे। मुंबई वाले राजेश जी बताएं सर क्या कहता है चार्ट। देखिए टेक्निकली यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है जहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट था वो था 268 का लेवल और 268, 255 यानी लगभग 20 रुपए के आसपास का इसमें मूव है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर बाय बनता है तो 270 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मोमेंटम अच्छा है, ओपन इंटरेस्ट में गेन हो रहा है, प्राइस भी अप है, तो मुझे लगता है फॉलोअप बाइंग आएगी। तो टेक इट एज ए BTST, कीप अ स्टॉप लॉस एट 270, योर टारगेट शुड बी समवेयर लाइक 285 प्लस। 285 का टारगेट, ठीक है। विप्रो में आप तेजी की पोजीशन लेंगे। गौरव वायदे में क्या लॉन्ग जोड़े जा रहे हैं विप्रो में, आप भी खरीदेंगे? ले सकते हैं अगर आप देखें पूरा आईटी पैक में अच्छा उछाल देखने मिल रहा है। विप्रो में भी दो दिनों से अच्छे पोजीशंस बन रहे हैं, ब्रेकआउट भी दे चुके हैं। 280 का एकदम हर्डल है तो वहाँ पे आप टारगेट रखिए 280-281 का और नीचे में 273-274 का आप स्टॉप लॉस बना के बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए गौरव जी जाते जाते कोई ट्रेड नजर आ रहा है स्क्रीन पर, क्या कुछ लेके जाएंगे आज? देखिए मेरे को एक अच्छा लग रहा है, 352-353 के करीब चल रहा है, एक मोमेंटम इसमें आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पे 360 का लेवल आपको देखने मिल सकता है, 349 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं।
गौरव जी चलिए आपका धन्यवाद वक्त निकालने के लिए आज, और दो स्टॉक प्लीज स्क्रीन पर लेकर आए, वो है वेदांता और दूसरा यूपीएल। दोनों में दिन भर कमजोरी और इस समय दिन के लोज के आसपास दोनों ही स्टॉक कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे, तो अच्छा खासा प्रेशर। ये देखिए वेदांता तगड़ा स्लिप और अब लोज पे समय कामकाज होता हुआ और एक यूपीएल लेकर आए, उसमें भी अब 3.75% के आसपास का दबाव है। देखिए दोनों ही स्टॉक्स अब दिन के लोज के आसपास, और संदीप आगले साहब जुड़ चुके हैं। संदीप जी, दोनों स्टॉक्स कुछ ट्रेड बन रहा है क्या सर? आफ्टरनून आशीष, दोनों वीक है। वेदांता ये लेवल पे बेच के चले, 216 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है ये 202-203 तक यहाँ से 10 रुपए की मूल लगती है, शायद कल शायद मंडे तक। ओके, तो 200 तक की गिरावट, और यूपीएल भी देख लीजिए वागले साहब, ये भी देखिए फिर टूटने लगा। हर्षदा ये भी वीक है लेकिन इसमें थोड़ी सी गिरावट है, और ये हमने इसमें कल हमने अराउंड 618 के बारे लेवल पे बात की थी, तो यहाँ वहाँ से काफ़ी टूट चुका है लेकिन डाउन वीक तो है। मुझे लगता है यूपीएल 560 तक जाना चाहिए, 560 तक। तो ठीक है, दोनों ही स्टॉक्स में दबाव शायद यहां से और लाइकली कंटिन्यू हो, अब दोनों ही 3-3% से ज्यादा की कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए। लेकिन हेमंत जानी साहब, कल इन्फोसिस के नंबर्स आने हैं, तो एक तो आप लोग का इन्फोसिस पे हाउस व्यू क्या है, हाउस कॉल क्या है, और दूसरा टीसीएस या इन्फोसिस, एक में बहुत तगड़ी चाल लग गई लेकिन वो लगातार फाइनेंशियल्स में आउट परफॉर्मेंस नजर आता है, एक वैल्यूएशन के वाइज लिहाज से अट्रैक्टिव लगता है पर ग्रोथ नदारद है, क्या पसंद करेंगे पोर्टफोलियो में? सी डेफिनेटली जिस तरह का परफॉर्मेंस टीसीएस ने दिया है और जिस तरह की मैनेजमेंट कमेंट्री थी उसको ध्यान में रखते हुए टीसीएस में एक प्रेफरेंस डेफिनेटली बना हुआ है, और मैं समझता हूँ कि मोमेंटम भी काफ़ी स्ट्रांग है स्टॉक के अंदर, तो डेफिनेटली प्रेफरेंस उसी पे रहेगा। और क्योंकि नतीजे आने वाले हैं तो मैं समझता हूँ कि एक बार नतीजे आ जाए और थोड़ा सा उसमें जो गाइडेंस है उसके बारे में क्लैरिटी आ जाए उसके बाद एक प्रॉपर व्यू लेना अच्छा होगा। हालाँकि ओवरऑल आईटी सेक्टर के ऊपर थोड़ा लोगों का व्यू पॉजिटिव है और एक सेंस ऐसा आ रहा है कि थोड़ा सा जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसके साथ रुपी के अंदर वीकनेस के कारण थोड़ा मार्जिन के अंदर भी पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है, पर मैं समझता हूँ कि जिस तरह के नतीजे टीसीएस में देखे उस नतीजों के बाद जो लोगों की एक्सपेक्टेशन इन्फोसिस में थी उसमें थोड़ी सी एक डिसअपॉइंटमेंट होने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो रिजल्ट्स के बाद ही उसमें कोई बड़ा व्यू लेके चलना चाहिए, अभी फिलहाल इंफोसिस में बाइंग नहीं करनी चाहिए। ओके, आप इंफोसिस नहीं खरीदेंगे, इंफोसिस तो ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है, 1297 इनफैक्ट 1290 तक का लो हमने देखा, राइट राशीष, 84 तक का संभलने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बिकवाली की तरफ इंफ्रा कंपनियों पर मेरी नजर गई थी आज दोपहर में, यहाँ पर आईआरबी पीएनसी इंफ्रा जैसे काउंटर्स टूटे, इनमें से कोई जो आपको लग रहा है बेच के जाना चाहिए राजेश? हर्षदा जी, मुझे लगता है आरबी इंफ्रा वीक है यहाँ पे, क्योंकि एक छोटा जो एक माइल्ड पुलबैक, एक रिलीफ रैली हमने देखी करीबन 200 के लेवल से 212 तक, और फिर से मुझे लगता है एक ही दिन में ये पूरा जो 12 दिन का पुलबैक है एनगल्फ हो गया है, मुझे लगता है इसमें वीकनेस ज़्यादा है, 204 के लेवल पे सेल करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 208, 200 का लेवल जैसा ही टूटेगा मुझे लगता है फिर इन दैट केस यहाँ पे एक शार्प सेल ऑफ दिखेगा, करीबन 192 तक का फॉल आ सकता है, तो फिलहाल सेल करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 208। एक सरकारी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, वायदे बाजार में थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी है, स्टॉक 2.5% ऊपर, बागले साहब खरीदेंगे क्या, चार्ट पर ऐसा कोई इशारा? अर्शद, आप स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे? बैंक ऑफ बड़ौदा सर, बैंक ऑफ बड़ौदा। हर्षदा, अगर व्यू आज और कल का है, मुझे स्ट्रेंथ दिखती है एट अ लेवल ऑफ 119, मुझे लगता है 123-124 तक जा सकता है, इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा ऐसा मेरा मानना नहीं है, वहाँ पर अटक सकता है, तो एज अ ट्रेड फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 days विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 117 खरीद सकते हैं। अच्छा, कुछ स्टॉक जो वायदा में खासे एक्टिव हो रहे हैं, दिन के हाईज की तरफ मूव कर रहे हैं, पोजीशंस बिल्ड होती हुई नजर आ रही है, उसमें मिड कैप आईटी कंपनीज, एक तो माइंडट्री और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, और एक राजेश जी जो मेरे बगल में बैठे हैं इस समय एमआरएफ पिन पॉइंट कर रहे हैं 10% ओपन इंटरेस्ट में उछाल, 2.25% की तेजी है वायदा में, खरीदने के मौके?
देखिए फर्स्ट मिड कैप आईटी में मुझे लगता है माइंडट्री एक बेहतरीन स्टॉक रहेगा। बायोनडिप कैंडिडेट है, 1030 का इसका इमीडिएट सपोर्ट है और 1100 के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है, तो बायोनडिप कैंडिडेट माइंडट्री रहेगा आईटी में। अगर एमआरएफ की बात करें तो सबसे बड़ी बात है इसमें 10% ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, प्राइजेज अप बाय 2.5%, बड़ा काउंटर है, हेवी काउंटर है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाय है। लेकिन स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा वो करीबन आपको यहाँ से 77,000 के आसपास, यानी यहाँ से 1,000 रुपए का मिनिमम स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 80,000 तक जाने के चांसेस है, बड़ा काउंटर है। अच्छा, एमआरएफ पर वागे साहब आपने सुबह में जो कॉल दिया था क्या टारगेट दिया था? हर्षदा टारगेट नहीं दिया था, सिर्फ ये कहा था कि ये स्टॉक अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है ये एक आध महीने की बात करते हो तो ये 81,000-82,000 तक भी ये जा सकता है और 76,000 के स्टॉप लॉस से ये लेवल पे भी मैं बाय करने के लिए तैयार हूँ। देखिए स्टॉप लॉस तो दोनों हमारे टेक्निकल जानकार वही कह रहे हैं, लेकिन 80,000-81,000 ये स्टॉक है जिस पर हमने आज सुबह में बात की थी। देखिए टायर कंपनियों को भी फायदा होगा, ये हम आपको बता रहे थे, ढेर सारे टायर स्टॉक्स पर आज जिक्र हुआ, अपोलो था, सीएट था, लेकिन एमआरएफ चुना। एमआरएफ पे बहुत हिचक कर वागले साहब ने कहा क्योंकि इतना भारी स्टॉक है, लेकिन चार्ट पर तो इंडिकेशन राजेश ने भी भाव देखने के बाद हिचक आ ही जाती है। बताओ वो 70,000-75,000 का शेयर, तो ऑफकोर्स एमआरपीएल भी राजेश क्या ये और एक्शन दिखाएगा, क्योंकि सुबह में इसकी भी चर्चा कर रहे थे, अब 80 पर तो आ ही गया। देखिए एमआरपीएल को मैं कॉन्ट्राबेट की तरह से देखता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सेलिंग हुआ है, 140 से लेकर लगभग इफ आई एम नॉट रॉन्ग 78 के आसपास इसका लो है। शॉर्ट टर्म चार्ट देखे यानी डेली चार्ट के हिसाब से देखे तो 78 एंड 80 के आसपास इसमें कंसोलिडेशन देखा गया है पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से, और बहुत दिन के बाद आज इसमें ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, हल्का फुल्का है, 3% एडिशन है, प्राइजेज अब 5%, तो इन एंटिसिपेशन के देर कुड बी ए शॉर्ट कवरिंग एंड देन एडिशन ऑफ ओपन इंटरेस्ट, मुझे लगता है देर शुड बी ए फॉलो अप बाइंग। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका टारगेट 1991 तक का होता है, यानी 10 रुपये का टारगेट यहाँ से बनता है, स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा वो 77 का करना पड़ेगा। ठीक बात। अच्छा, इस बीच ब्रेंट के कच्चे तेल के भाव लेकर आए 75 के, अब वापस पार जाता हो तो 2-2.5% अब उछाल आता हुआ, इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो जो क्रूड के प्लेस थे इधर वेस्ट ठंडे पड़ते हुए, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऊपर से अब कुछ ठंडी पड़ती हुई, इनफैक्ट दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ अब ऊपर से ठंडा पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इन सबको फायदा हो रहा था जब कच्चे तेल में तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा था, तो अपस्ट्रीम कंपनियां हो उनको फायदा, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हो उनको फायदा, तो अब वो थोड़ा सा ऊपर से स्टॉक्स थोड़े हल्के ठंडे पड़ रहे हैं। अच्छा, एक स्टॉक है बजाज ऑटो, वागले साहब प्लीज खोले आप जब तक। इस स्टॉक में हमने देखा था एक वन साइडेड मूव था, ऑलमोस्ट 300-400 रुपए 2750 के लोस से मेरे ख्याल से 3150 तक गया था ये स्टॉक, और अब देखिए एक तगड़ा प्रेशर, अब जिनके लोस पे समय कामकाज होता हुआ बेच दूं? इसका बेसिक पैटर्न अभी भी मुझे लगता है अच्छा है, आज करेक्टिव मूव चल रहा है, तो मैं समझता हूँ अगर 3100 के नीचे जाता है और क्लोज होता है तो मैं समझता हूँ फिर अपनी पोजीशन काट लेनी चाहिए, शॉर्ट करने का व्यू नहीं होगा। 3100 फ्यूचर में, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए 3102 के आसपास बजाज ऑटो ट्रेड कर रहा है वायदे में, लेकिन हेमांग आपकी एक नोट निकली है बजाज ऑटो पर ही, आप लोग क्या कह रहे हैं, अपग्रेड किया है आपने? हाँ जी, हमने बजाज ऑटो को अपग्रेड किया है क्योंकि आफ्टर 7 ईयर्स हमने एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड देखा है, जो उसका मंथली ग्रोथ नंबर है उसके अंदर, तो डोमेस्टिक मार्केट में और जो एक्सपोर्ट मार्केट है दोनों में हम एक मोमेंटम देख रहे हैं, और हम समझते हैं कि उसके चलते हुए एक अच्छा अपसाइड देखने को बजाज ऑटो में मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक ने अदरवाइज काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था पिछले 1-2 साल के अंदर, तो अभी ये भाव में भी हमें लगता है कि बजाज ऑटो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे डेफिनेटली ऐड करने का सोच सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी रनअप हुआ है तो एक छोटा मोटा करेक्शन डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, पर जिस तरह का फंडामेंटली मंथली सेल्स और जो एक्सपोर्ट के अंदर टर्न अराउंड है उसके चलते हुए हम काफ़ी पॉजिटिव है, और हम यहाँ से भी लगभग 12% का अपसाइड बजाज ऑटो में देख रहे हैं। अच्छा, इस बीच आवाज की एक्सक्लूसिव खबर कुछ देर पहले आप लोग की स्क्रीन पे चल रही थी, वो स्टॉक प्रेशर में आ गया था तभी अजंता फार्मा, जहाँ पे खबरें ये थी कि भारत में बिना अप्रूवल बिना मंजूरी के दबाए बेचने का गंभीर आरोप लगाया गया था, और उसके बाद ये स्टॉक प्रेशर में आया था कुछ देर पहले, 10% ओपन इंटरेस्ट में उछाल, तो अब वो बढ़कर 15% की तरफ बढ़ता हुआ। राजेश जी क्या लग रहा है?
I think it's a sell. और in fact, मैं इसको इस तरह से देखूंगा, it's a long liquidation. First of all, aggression बहुत ज़्यादा है, 16% open interest rise है, 2.8% price down है, clear cut candidate है, मुझे लगता है, इसमें selling आएगा. यहाँ से ये भी हो सकता है कि न्यूज़ के चलते कभी कभी हमने ये भी देखा कि कल सुबह में थोड़ा बहुत 10-15 रुपए का एक फर्स्ट पुल बैक आता है और उसके बाद वो फिजल आउट हो जाता है. दैट कुड बी अ सेकंड अपॉर्चुनिटी फॉर एग्रेसिव ट्रेडर. यहाँ पे शॉर्ट करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ समवेयर लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1035 का स्टॉप लॉस रखे. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा दैट शुड बी 965. बिलो 965 प्रोबेबिलिटी 900 तक की है. एडिंग टू दैट मुझे लगता है कि यहाँ पे स्ट्राइड शासन में लॉन्ग लिक्विडेशन प्रेशर है. 10% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, प्राइस डाउन बाय रफली अबाउट 4%. तो मुझे लगता है एक फॉलोअप सेलिंग इसमें आ सकता है. 340-45 का टारगेट होगा. 345 के लिए स्ट्राइड शासन बेचकर चले. अजंता फार्मा में भी बिकवा ली. दोनों ही स्टॉक्स देखिए इस समय गिर रहे हैं, टूट रहे हैं. इनफैक्ट अजंता फार्मा, राजेश अग्रवाल आपको क्या लग रहा है? कई लोग कहते हैं कि थोड़ा सा सतर्क रहा जाए इस कंपनी के साथ. प्रोडक्ट लाइन के लिहाज से आपकी कोई इनपुट्स जो और व्यू दे सके? देखिए, अगर वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखें तो दूसरी फार्मा कंपनीज के वनिस्पत थोड़े से तगड़े वैल्यूएशन थे और ऊपर से ऐसी खबरें निकल कर आई कि बिना अप्रूवल के कुछ दवाएं बेच रही थी. तो अब ये खबर के कारण से उनका कितना मॉनेटरी इफेक्ट आता है ये तो देखना पड़ेगा, या किस तरीके की जांच पड़ताल होती है. बट अगर किसी को फार्मा में ही पोजिशन लेनी है तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर ऑप्शन उपलब्ध हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो सिप्ला ज़्यादा बेहतर पड़ता है या ग्लेनमार्क ज़्यादा बेहतर पड़ता है. तो मैं कहूँगा कि कोई चाहे तो स्विच कर सकता है उन दो स्टॉक्स में. अच्छा, डॉक्टर रेड्डीज पर हेमांग आपकी क्या राय है? जो आज हम देख रहे हैं करीब 2.5% तक की तेजी देखने को मिली, उस खबर पर आई थी कि इनविडोर जो वो कंपीटिंग ड्रग सबॉक्सॉन का बनाता है, उन्होंने अपना मैनेजमेंट कॉल में गाइडेंस दिया कि इनके बिजनेस पर कुछ असर पड़ेगा. आज सुबह से लोग तेजी कर रहे हैं डीआरएल में, हालांकि वो कोर्ट की तरफ से इंजंक्शन आना बाकी है, होपफुली बाय द वीकेंड या सोमवार तक साफ हो जाएगा. क्या पॉसिबिलिटी है कि डीआरएल वाकई में एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर हासिल करेगा उस पर्टिकुलर ड्रग के साथ अमेरिका में? सी, डेफिनेटली थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी का एस्पेक्ट है, पर ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ये ड्रग के अंदर मार्केट अपॉर्चुनिटी बड़ी है और ये एक हाई मार्जिन ड्रग है और उसके चलते हुए हम समझते हैं कि उसके अंदर एक पॉजिटिव व्यू लेके हम चल रहे हैं. हालांकि हमने हमारा जो प्राइस टारगेट है वो काफ़ी उसमें बदलाव नहीं किया है, पर हम समझते हैं कि सिलेक्टिवली डॉक्टर रेड्डी या जो बाकी के फार्मा कंपनीज है उसके अंदर एक बेस बन गया है और अभी एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी चालू हो गया है, तो उसमें एक इन्वेस्टमेंट का व्यू डेफिनेटली बन रहा है. अच्छा, इंफ्रा स्पेस में अर्जुन ने जो बात करी थी उसमें एक्सटेंड करता हूँ. जीएमआर इंफ्रा, जीवी के पावर एंड इंफ्रा, दोनों में 5-5, एक तो खैर सर्किट टू सर्किट चल रहा है, जीएमआर इंफ्रा में भी 5-6% का उछाल. ये दोनों इंफ्रा के साथ साथ वो एयरपोर्ट प्ले के लिए आजकल ज्यादा जाने लगे हैं और जीवीके में तो जब से वो खबर आ गई कि नवी मुंबई का फाइनेंशियल क्लोजर हो गया उसके बाद से सर्किट टू सर्किट ये स्टॉक मूव करता हुआ नजर. इस बीच कर्नाटका बैंक के नतीजे आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होते हुए 163 करोड़ रुपीज पे इस बैंक का मुनाफा आता हुआ. मैं अपनी उम्मीद वाली स्टॉक भागा है आशीष, क्योंकि आज सुबह में हमने टारगेट दिया था 126 का और वो हासिल हो चुका है. नंबर्स देखिए बढ़िया हैं, प्रॉफिट के फ्रंट पर परफॉर्मेंस देखने को मिला. पिछले क्वार्टर में मुझे याद है एनपीए के मामले में बैंक की हालत थोड़ी सी टाइट होती दिखाई दी थी, प्रेशर आया था. प्रॉफिट के फ्रंट पर काफी बढ़िया मूव देखने को मिला है, 163 और नेट एनपीए 2.92%. ये पिछले क्वार्टर 2.96% के आसपास था. 4.92 वो ग्रॉस एनपीए है. ग्रॉस एनपीए वो ग्रॉस एनपीए 4.72% पर आया है जो पहले 4.92% था, और नेट एनपीए के मामले में 2.92% जो पिछली बारी 2.96% था. तो एनपीए की आंकड़े बढ़े नहीं हैं, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए कि एनपीए नियंत्रण में है. पिछले क्वार्टर में उन्होंने कहा था कि जितना क्लीनअप हो सकता है हम कर रहे हैं और शायद वही हुआ है. स्टॉक भागा है, अच्छी तेजी, 6% की बढ़त. राजेश अग्रवाल आपकी मैं राय लूंगी, लेकिन उससे पहले वागे साहब देखिए, कल दोपहर इसकी हम बात कर रहे थे, शॉर्ट कवरिंग का मूव था, आज वो पहला टारगेट अचीव हो चुका है. कुछ स्ट्रगल किया स्टॉक ने लेकिन 126 पर आया है, इस मूव पर आप क्या कहेंगे? अर्चना, एक क्लियर ब्रेकआउट है, 123, 122 के स्टॉप लॉस से अभी भी लिया जा सकता है और मुझे लगता है 136 तक के टारगेट्स हमको कल या मे बी मंडे को एक से दो दिन में देखने को मिलने चाहिए.
ठीक बात है, तगड़ा प्रेशर इस स्टॉक ने झेला, 160 170 के हाई से लगातार पिटाई, अब लो लेवल से मंदी के सौदे कटना, शॉर्ट कवरिंग से तूल मिलता हुआ, और नतीजों में सबसे बड़ा अच्छी बात कि लास्ट क्वार्टर में एसेट क्वालिटी स्टेबलाइज हुई थी, 4.92% पे ग्रॉस एनपीए स्टेबल थे ओवर Q3 ओवर Q4, अब इसके बाद अब 4.72% यानी कि ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा अब और कम होता हुआ, तो बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ इस बैंक को लेकर, और इसलिए वो शॉर्ट कवरिंग और तूल पकड़ रही है दिन के हाई 6.5% का उछाल। राजेश, खरीदेंगे क्या आप? देखिए, मुझे लगता है कि जो रेजिस्टेंस था, जो 200 डीएमए लेवल था, वो 126 के आसपास था। न्यूज़ के बाद एक नीजर रिएक्शन है, 126 पार करे तो थोड़ा कन्विक्शन बढ़े, नहीं तो अगर मेरे पास पोजीशन रहता, अगर मुझे 10 रुपए मिलता तो मे बी आई वुड लाइक टू। ठंडा पड़ रहा है 126 के बाद ये। तो लेकिन इधर वेज देखिए, कल 118 से भागना शुरू हुआ और फिर 126 तक के लेवल्स बने, तो कल दोपहर में अगर आपने आखिरी सौदा के दौरान ही स्टॉक लिया तो आप अच्छे खासे मुनाफे पर हैं। राजेश अग्रवाल, अब बताइए बैंक पर आगे क्या स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्याज से आय का आंकड़ा भी सामने निकल कर आ गया है, ये है लगभग, मैं पहले प्रोविजन का आंकड़ा दे दूं, करीब 222 करोड़ की प्रोविजनिंग बैंक ने की है, ये थोड़ा सा बड़ा है 199 करोड़ के मुकाबले, बैंक की प्रोविजनिंग 222 करोड़ पर आई है, और एसेट क्वालिटी के मामले में तो स्टेबिलिटी बनी हुई है, क्या सलाह होगी? देखिए, इसमें हमारी खरीदारी की सलाह है, क्योंकि अगर आप देखें तो 3,500 करोड़ के मार्केट कैप के साथ जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए ये बैंक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे उपलब्ध है, और चूंकि कोई बड़े प्रमोटर ग्रुप है नहीं तो ऐसी संभावनाएं बनती है कि आने वाले दिनों में कभी टकओवर हो जाए, ये मैं नहीं कहता कि अभी होने वाला है, बट ऐसी संभावनाएं हैं कि हो सकती है। अगर पिछले तिमाही के नतीजे पर भी नज़र डालें, पिछले तिमाही जो मार्च के आए थे उसमें मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई थी उन्होंने क्लियर था कि 1,30,000 करोड़ के आसपास के बिजनेस वो FY19 में करेंगे, जो कि 22% बढ़कर आएगा। इस तिमाही के नतीजे, जैसे आप बता रहे हैं कि नतीजे उम्मीद से बहुत बेहतर आए हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी बेहतर आए हैं, सबसे बड़ी बात एनपीएस में कमी देखी गई है, नेट एनपीएस 2.92, मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार नतीजे हैं, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत बेहतर पड़ता है किसी को अगर 2-3 क्वार्टर्स के निवेश करना हो, तो मैं समझता हूं कि बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत ही उपयुक्त बैंक है। लेकिन बहुत लोगों को डिसअपॉइंट जरूर करा इस बैंक ने, है ना, बहुत लोग मानते थे वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत अट्रैक्टिव, और बहुत तगड़ी पिटाई हुई। अच्छा, जो हर्षदा बार बार कह रही है, कल हमने बातचीत करी थी, एक बार देख लीजिए उसको। ट्रेडर्स ने तेजी कर ली है डॉक्टर रेड्डीज, 3% ऊपर और भागेगा, अब खरीदेंगे क्या वागले साहब? मेरे लिए ब्रेकआउट है डॉक्टर रेड्डीज, ये लेवल पे ही मैं खरीदूंगा, करंटली 235960 है, एक 2348 12 रुपए की रिस्क लीजिए, मुझे लगता है 30-35 रुपीज ड्यूरिंग द डे या मे बी कल तक आपको मिलना चाहिए। प्रोड्यूसर साहब हड़बड़ाहट में कुछ दूसरा ले आए, कर्नाटका बैंक, चलिए वो लकीली वो भी एक हिट ही साबित हुआ, वापस लेकर आएंगे। अच्छा राजीव जी, कुछ इशारा करें, कोई कॉल? इंडिगो एविएशन, क्या कॉल है सर? इंडिगो, इंडिगो, इंडिगो पे बाय बनता है। देखिए, पिछले 5-6 मिनट में 1090 से लेके 1125 तक गया है, मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस लेवल पे एविएशन काउंटर में इंडिगो जेट अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है, अगर यहाँ पे लॉन्ग करते हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड फेवर में 1090 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, पोजिशनली मुझे लगता है 1200-1210 तक भाग सकता है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मतलब फंडामेंटली कह रहे हो? नहीं, प्राइस वाइज हम लोग प्राइस, हम प्राइस वॉल्यूम की बात करते हैं। हेमांग, इन एविएशन कंपनियों पर आपकी क्या राय है, क्योंकि देखिए इंटरग्लोब जैसे स्टॉक्स काफी पिटे जब मैनेजमेंट चेंज हुआ, वो नियो वाली दिक्कत भी थी, अब क्या कॉल है आपका? देखिए, हमारे कवरेज में तो नहीं है, पर इंडिगो में जिस तरह का हमने करेक्शन देखा है उसके सामने हम समझते हैं कि प्राइसिंग प्रेशर तो थोड़ा बहुत रहेगा, बट ओवरऑल जो ग्रोथ है पैसेंजर ट्रैफिक की वो काफ़ी अच्छी है, और कंपनी ने अपना जो ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह है काफ़ी सक्सेसफुली मैनेज किया है, तो रिस्क रिटर्न के तौर पर और बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ लीडरशिप पोजिशन जो इंडिगो की है वो हिसाब से हमें वो स्टॉक में काफ़ी कम्फर्ट दिख रहा है, और डेट भी बैलेंस शीट पर ज़्यादा नहीं है, तो विद इन द सेक्टर इंडिगो डेफिनेटली काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके, तो एविएशन में इंटरेस्ट ऑफ कोर्स बना हुआ है, आज देखिए वो स्टॉक सुबह से भागा,
दोपहर में भी थोड़ा सा ऊपरी लेवल से दबाव आया, लेकिन 1130 डेज हाई पर है। इंटर ग्लोब एविएशन स्पाइस जेट भी आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि स्पाइस जेट आज हमारे गोल के कैप्टन की टीम में शामिल था मुझे याद है, और उसमें भी दमदार तेजी देखने को मिली। खुलते ही फटा वो शेयर भी, मैं स्पाइस जेट की बात कर रही हूँ, उसमें भी अभी भी काफी मोमेंटम बना हुआ है। तो एविएशन कंपनियों ने उड़ान भरी है आज नर्म होते कच्चे तेल को देखकर। स्पाइस जेट आपकी स्क्रीन पर 3% ऊपर, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर ये स्टॉक काफी तगड़ा और काफी अग्रेसिव प्लेयर साबित हो रहा है राजेश सातपुते। इनफैक्ट आज सुबह में हम चर्चा कर रहे थे कि डिफेंसिव माना जाता है, लेकिन ये सेंटर फॉरवर्ड की तरह खेल। एमआरएफ की बात करें तो सबसे बड़ी बात है इसमें 10% ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, प्राइसेस अप बाय 2.5%, बड़ा काउंटर है, हेवी काउंटर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाय है, लेकिन स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा वो करीबन आपको यहाँ से 77,000 के आसपास, यानी यहाँ से 1,000 रुपए का मिनिमम स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 80,000 तक जाने के चांसेस है, बड़ा काउंटर है। अच्छा, एमआरएफ पर वागे साहब आपने सुबह में जो कॉल दिया था क्या टारगेट दिया था? हर्षदा टारगेट नहीं दिया था, सिर्फ ये कहा था कि ये स्टॉक अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है ये एक आध महीने की बात करते हो तो ये 81,000-82,000 तक भी ये जा सकता है, और 76,000 के स्टॉप लॉस से ये लेवल पे भी मैं बाय करने के लिए तैयार हूँ। देखिए स्टॉप लॉस तो दोनों हमारे टेक्निकल जानकार वही कह रहे हैं, लेकिन 80,000-81,000 ये स्टॉक है जिस पर हमने आज सुबह में बात की थी। देखिए टायर कंपनियों को भी फायदा होगा, ये हम आपको बता रहे थे, ढेर सारे टायर स्टॉक्स पर आज जिक्र हुआ, अपोलो था, सीएट था, लेकिन एमआरएफ चुना। एमआरएफ पे बहुत हिचक कर वागले साहब ने कहा क्योंकि इतना भारी स्टॉक है, लेकिन चार्ट पर तो इंडिकेशन राजेश ने भी भाव देखने के बाद हिचक आ ही जाती है। बताओ वो 70,000-75,000 का शेयर, तो ऑफकोर्स एमआरपीएल भी राजेश क्या ये और एक्शन दिखाएगा, क्योंकि सुबह में इसकी भी चर्चा कर रहे थे, अब 80 पर तो आ ही गया। देखिए एमआरपीएल को मैं कॉन्ट्राबेट की तरह से देखता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सेलिंग हुआ है, 140 से लेकर लगभग इफ आई एम नॉट रॉन्ग 78 के आसपास इसका लो है। शॉर्ट टर्म चार्ट देखें यानी डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो 78 एंड 80 के आसपास इसमें कंसोलिडेशन देखा गया है पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से, और बहुत दिन के बाद आज इसमें ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, हल्का फुल्का है, 3% एडिशन है, प्राइसेज अप बाय 5%, तो इन एंटिसिपेशन के देर कुड बी ए शॉर्ट कवरिंग एंड देन एडिशन ऑफ ओपन इंटरेस्ट, मुझे लगता है देर शुड बी ए फॉलो अप बाइंग। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका टारगेट 1991 तक का होता है, यानी 10 रुपये का टारगेट यहाँ से बनता है, स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा वो 77 का करना पड़ेगा। ठीक बात। अच्छा, इस बीच ब्रेंट के कच्चे तेल के भाव लेकर आए 75 के, अब वापस पार जाता हो तो 2-2.5% अब उछाल आता हुआ, इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो जो क्रूड के प्लेस थे इधर वेस्ट ठंडे पड़ते हुए, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऊपर से अब कुछ ठंडी पड़ती हुई, इनफैक्ट दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ अब ऊपर से ठंडा पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इन सबको फायदा हो रहा था जब कच्चे तेल में तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा था, तो अपस्ट्रीम कंपनियां हो उनको फायदा, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हो उनको फायदा, तो अब वो थोड़ा सा ऊपर से स्टॉक्स थोड़े हल्के ठंडे पड़ रहे हैं। अच्छा, एक स्टॉक है बजाज ऑटो, वागले साहब प्लीज खोले आप जब तक। इस स्टॉक में हमने देखा था एक वन साइडेड मूव था, ऑलमोस्ट 300-400 रुपए 2750 के लोस से मेरे ख्याल से 3150 तक गया था ये स्टॉक, और अब देखिए एक तगड़ा प्रेशर, अब जिनके लोस पे समय कामकाज होता हुआ बेच दूं? इसका बेसिक पैटर्न अभी भी मुझे लगता है अच्छा है, आज करेक्टिव मूव चल रहा है, तो मैं समझता हूँ अगर 3100 के नीचे जाता है और क्लोज होता है तो मैं समझता हूँ फिर अपनी पोजीशन काट लेनी चाहिए, शॉर्ट करने का व्यू नहीं होगा। 3100 फ्यूचर में, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए 3102 के आसपास बजाज ऑटो ट्रेड कर रहा है वायदे में, लेकिन हेमांग आपकी एक नोट निकली है बजाज ऑटो पर ही, आप लोग क्या कह रहे हैं, अपग्रेड किया है आपने? हाँ जी, हमने बजाज ऑटो को अपग्रेड किया है क्योंकि आफ्टर 7 ईयर्स हमने एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड देखा है, जो उसका मंथली ग्रोथ नंबर है उसके अंदर, तो डोमेस्टिक मार्केट में और जो एक्सपोर्ट मार्केट है दोनों में हम एक मोमेंटम देख रहे हैं, और हम समझते हैं कि उसके चलते हुए एक अच्छा अपसाइड देखने को बजाज ऑटो में मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक ने अदरवाइज काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था पिछले 1-2 साल के अंदर, तो अभी ये भाव में भी हमें लगता है कि बजाज ऑटो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे डेफिनेटली ऐड करने का सोच सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी रनअप हुआ है तो एक छोटा मोटा करेक्शन डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, पर जिस तरह का फंडामेंटली मंथली सेल्स और जो एक्सपोर्ट के अंदर टर्न अराउंड है उसके चलते हुए हम काफ़ी पॉजिटिव है, और हम यहाँ से भी लगभग 12% का अपसाइड बजाज ऑटो में देख रहे हैं।
अच्छा, इस बीच आवाज की एक्सक्लूसिव खबर कुछ देर पहले आप लोग की स्क्रीन पे चल रही थी, वो स्टॉक प्रेशर में आ गया था, तभी अजंता फार्मा, जहां पे खबरें ये थी कि भारत में बिना अप्रूवल बिना मंजूरी के दवाएं बेचने का गंभीर आरोप लगाया गया था, और उसके बाद ये स्टॉक प्रेशर में आया था। कुछ देर पहले 10% ओपन इंटरेस्ट में उछाल, तो अब वो बढ़कर 15% की तरफ बढ़ता हुआ। राजेश जी, क्या लग रहा है? आई थिंक इट्स अ सेल, और इनफैक्ट मैं इसको इस तरह से देखूंगा, इट्स अ लॉन्ग लिक्विडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रेशन बहुत ज्यादा है, 16% ओपन इंटरेस्ट राइज है, 2.8% प्राइस डाउन है, क्लियर कट कैंडिडेट है, मुझे लगता है इसमें सेलिंग आएगा। यहाँ से ये भी हो सकता है कि न्यूज़ के चलते कभी कभी हमने ये भी देखा कि कल सुबह में थोड़ा बहुत 10-15 रुपए का एक फर्स्ट पुल बैक आता है और उसके बाद वो फिजल आउट हो जाता है। दैट कुड बी अ सेकंड अपॉर्चुनिटी फॉर एग्रेसिव ट्रेडर, यहाँ पे शॉर्ट करे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ समवेयर लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1035 का स्टॉप लॉस रखे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा दैट शुड बी 965, बिलो 965 प्रोबेबिलिटी 900 तक की है। एडिंग टू दैट मुझे लगता है कि यहाँ पे स्ट्राइड शासन में लॉन्ग लिक्विडेशन प्रेशर है, 10% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, प्राइसेस डाउन बाय रफली अबाउट 4%, तो मुझे लगता है एक फॉलोअप सेलिंग इसमें आ सकता है, 340-45 का टारगेट होगा। 345 के लिए स्ट्राइड शासन बेचकर चले, अजंता फार्मा में भी बिकवा ली, दोनों ही स्टॉक्स देखिए इस समय गिर रहे हैं, टूट रहे हैं। इनफैक्ट अजंता फार्मा, राजेश अग्रवाल आपको क्या लग रहा है, कई लोग कहते हैं कि थोड़ा सा सतर्क रहा जाए इस कंपनी के साथ, प्रोडक्ट लाइन के लिहाज से आपकी कोई इनपुट्स जो और व्यू दे सके? देखिए, अगर वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखें तो दूसरी फार्मा कंपनीज के बनिस्पत थोड़े से तगड़े वैल्यूएशन थे, और ऊपर से ऐसी खबरें निकल कर आई कि बिना अप्रूवल के कुछ दवाएं बेच रही थी, तो अब ये खबर के कारण से उनका कितना मॉनेटरी इफेक्ट आता है ये तो देखना पड़ेगा, या किस तरीके की जांच पड़ताल होती है। बट अगर किसी को फार्मा में ही पोजिशन लेनी है तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर ऑप्शन उपलब्ध हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो सिप्ला ज़्यादा बेहतर पड़ता है या ग्लेनमार्क ज़्यादा बेहतर पड़ता है, तो मैं कहूँगा कि कोई चाहे तो स्विच कर सकता है उन दो स्टॉक्स में। अच्छा, डॉक्टर रेड्डीज पर हेमांग आपकी क्या राय है, जो आज हम देख रहे हैं करीब 2-2.5% तक की तेजी देखने को मिली, उस खबर पर आई थी कि इनविडोर जो वो कंपीटिंग ड्रग सबॉक्सॉन का बनाता है, उन्होंने अपना मैनेजमेंट कॉल में गाइडेंस दिया कि इनके बिजनेस पर कुछ असर पड़ेगा, आज सुबह से लोग तेजी कर रहे हैं डीआरएल में, हालांकि वो कोर्ट की तरफ से इंजंक्शन आना बाकी है, होपफुली बाय द वीकेंड या सोमवार तक साफ हो जाएगा। क्या पॉसिबिलिटी है कि डीआरएल वाकई में एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर हासिल करेगा उस पर्टिकुलर ड्रग के साथ अमेरिका में? सी, डेफिनेटली थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी का एस्पेक्ट है, पर ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ये ड्रग के अंदर मार्केट अपॉर्चुनिटी बड़ी है, और ये एक हाई मार्जिन ड्रग है, और उसके चलते हुए हम समझते हैं कि उसके अंदर एक पॉजिटिव व्यू लेके हम चल रहे हैं। हालांकि हमने हमारा जो प्राइस टारगेट है वो काफ़ी उसमें बदलाव नहीं किया है, पर हम समझते हैं कि सिलेक्टिवली डॉक्टर रेड्डी या जो बाकी के फार्मा कंपनीज है उसके अंदर एक बेस बन गया है, और अभी एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी चालू हो गया है, तो उसमें एक इन्वेस्टमेंट का व्यू डेफिनेटली बन रहा है। अच्छा, इंफ्रा स्पेस में अर्जुन ने जो बात करी थी उसमें एक्सटेंड करता हूँ, जीएमआर इंफ्रा, जीवी के पावर एंड इंफ्रा, दोनों में 5-5, एक तो खैर सर्किट टू सर्किट चल रहा है, जीएमआर इंफ्रा में भी 5-6% का उछाल, ये दोनों इंफ्रा के साथ साथ वो एयरपोर्ट प्ले के लिए आजकल ज्यादा जाने लगे हैं, और जीवीके में तो जब से वो खबर आ गई कि नवी मुंबई का फाइनेंशियल क्लोजर हो गया उसके बाद से सर्किट टू सर्किट ये स्टॉक मूव करता हुआ नजर। इस बीच कर्नाटका बैंक के नतीजे आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होते हुए 163 करोड़ रुपीज पे इस बैंक का मुनाफा आता हुआ, मैं अपनी उम्मीद वाली स्टॉक भागा है आशीष, क्योंकि आज सुबह में हमने टारगेट दिया था 126 का और वो हासिल हो चुका है। नंबर्स देखिए बढ़िया हैं, प्रॉफिट के फ्रंट पर परफॉर्मेंस देखने को मिला, पिछले क्वार्टर में मुझे याद है एनपीए के मामले में बैंक की हालत थोड़ी सी टाइट होती दिखाई दी थी, प्रेशर आया था, प्रॉफिट के फ्रंट पर काफी बढ़िया मूव देखने को मिला है 163 और नेट एनपीए 2.92%, ये पिछले क्वार्टर 2.96% के आसपास था, वो ग्रॉस एनपीए है, वो ग्रॉस एनपीए 4.72% पर आया है जो पहले 4.92% था, और नेट एनपीए के मामले में 2.92% जो पिछली बारी 2.96% था, तो एनपीए की आंकड़े बढ़े नहीं हैं, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए कि एनपीए नियंत्रण में है। पिछले क्वार्टर में उन्होंने कहा था कि जितना क्लीनअप हो सकता है हम कर रहे हैं, और शायद वही हुआ है, स्टॉक भागा है, अच्छी तेजी 6% की बढ़त। राजेश अग्रवाल आपकी मैं राय लूंगी, लेकिन उससे पहले वागे साहब देखिए, कल दोपहर इसकी हम बात कर रहे थे, शॉर्ट कवरिंग का मूव था, आज वो पहला टारगेट अचीव हो चुका है,
कुछ स्ट्रगल किया स्टॉक ने, लेकिन 126 पर आया है। इस मूव पर आप क्या कहेंगे? हर्षदा, एक क्लियर ब्रेकआउट है, 123, 122 के स्टॉप लॉस से अभी भी लिया जा सकता है, और मुझे लगता है 136 तक के टारगेट हमको कल या मे बी मंडे को एक से दो दिन में देखने को मिलने चाहिए। ठीक बात है, तगड़ा प्रेशर इस स्टॉक ने झेला, 160, 170 के हाई से लगातार पिटाई, अब लो लेवल से मंदी के सौदे कटना, शॉर्ट कवरिंग से तूल मिलता हुआ, और नतीजों में सबसे बड़ा अच्छी बात कि लास्ट क्वार्टर में एसेट क्वालिटी स्टेबलाइज हुई थी, 4.92% पे ग्रॉस एनपीए स्टेबल थे ओवर Q3 ओवर Q4। अब इसके बाद अब 4.72% यानी कि ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा अब और कम होता हुआ, तो बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ इस बैंक को लेकर, और इसलिए वो शॉर्ट कवरिंग और तूल पकड़ रही है दिन के हाई 6.5% का उछाल। राजेश, खरीदेंगे क्या आप? देखिए, मुझे लगता है कि जो रेजिस्टेंस था, जो 200 डीएमए लेवल था, वो 126 के आसपास था। न्यूज़ के बाद एक नीजर रिएक्शन है, 126 पार करे तो थोड़ा कन्विक्शन बढ़े, नहीं तो अगर मेरे पास पोजीशन रहता, अगर मुझे 10 रुपए मिलता तो मे बी आई वुड लाइक टू। ठंडा पड़ रहा 126 के बाद ये। तो लेकिन इधर वेज देखिए, कल 118 से भागना शुरू हुआ और फिर 126 तक के लेवल्स बने, तो कल दोपहर में अगर आपने आखिरी सौदा के दौरान ही स्टॉक लिया तो आप अच्छे खासे मुनाफे पर हैं। राजेश अग्रवाल, अब इस बताइए बैंक पर आगे क्या स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्याज से आय का आंकड़ा भी सामने निकल कर आ गया है। ये है लगभग, मैं पहले प्रोविजन का आंकड़ा दे दूं, करीब 222 करोड़ की प्रोविजनिंग बैंक ने की है, ये थोड़ा सा बड़ा है 199 करोड़ के मुकाबले, बैंक की प्रोविजनिंग 222 करोड़ पर आई है, और एसेट क्वालिटी के मामले में तो स्टेबिलिटी बनी हुई है, क्या सलाह होगी? देखिए, इसमें हमारी खरीदारी की सलाह है, क्योंकि अगर आप देखें तो 3,500 करोड़ के मार्केट कैप के साथ जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए ये बैंक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे उपलब्ध है, और चूंकि कोई बड़े प्रमोटर ग्रुप है नहीं, तो ऐसी संभावनाएं बनती है कि आने वाले दिनों में कभी टकओवर हो जाए। ये मैं नहीं कहता कि अभी होने वाला है, बट ऐसी संभावनाएं हैं कि हो सकती है। अगर पिछले तिमाही के नतीजे पर भी नज़र डालें, पिछले तिमाही जो मार्च के आए थे उसमें मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई थी, उन्होंने क्लियर था कि 1,30,000 करोड़ के आसपास के बिजनेस वो FY19 में करेंगे, जो कि 22% बढ़कर आएगा। इस तिमाही के नतीजे, जैसे आप बता रहे हैं कि नतीजे उम्मीद से बहुत बेहतर आए हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी बेहतर आए हैं, सबसे बड़ी बात एनपीएस में कमी देखी गई है, नेट एनपीएस 2.92, मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार नतीजे हैं, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत बेहतर पड़ता है किसी को अगर 2-3 क्वार्टर्स के निवेश करना हो, तो मैं समझता हूं कि बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत ही उपयुक्त बैंक है। लेकिन बहुत लोगों को डिसअपॉइंट जरूर करा इस बैंक ने, है ना, बहुत लोग मानते थे वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत अट्रैक्टिव, और बहुत तगड़ी पिटाई हुई। अच्छा, जो हर्षदा बार बार कह रही है, कल हमने बातचीत करी थी, एक बार देख लीजिए उसको। ट्रेडर्स ने तेजी कर ली है डॉक्टर रेड्डीज, 3% ऊपर और भागेगा, अब खरीदेंगे क्या वागले साहब? मेरे लिए ब्रेकआउट है डॉक्टर रेड्डीज, ये लेवल पे ही मैं खरीदूंगा, करंटली 235960 है, एक 2348 12 रुपए की रिस्क लीजिए, मुझे लगता है 30-35 रुपीज ड्यूरिंग द डे या मे बी कल तक आपको मिलना चाहिए। प्रोड्यूसर साहब हड़बड़ाहट में कुछ दूसरा ले आए, कर्नाटका बैंक, चलिए वो लकीली वो भी एक हिट ही साबित हुआ, वापस लेकर आएंगे। अच्छा राजीव जी, कुछ इशारा करें, कोई कॉल? इंडिगो एविएशन, क्या कॉल है सर? इंडिगो, इंडिगो, इंडिगो पे बाय बनता है। देखिए, पिछले 5-6 मिनट में 1090 से लेके 1125 तक गया है, मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस लेवल पे एविएशन काउंटर में इंडिगो जेट अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है। अगर यहाँ पे लॉन्ग करते हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड फेवर में 1090 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, पोजिशनली मुझे लगता है 1200-1210 तक भाग सकता है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मतलब फंडामेंटली कह रहे हो? नहीं, प्राइस प्राइस वाइज वाइज हम लोग प्राइस हम प्राइस वॉल्यूम की बात करते हैं। हेमांग, इन एविएशन कंपनियों पर आपकी क्या राय है, क्योंकि देखिए इंटरग्लोब जैसे स्टॉक्स काफी पिटे जब मैनेजमेंट चेंज हुआ, वो नियो वाली दिक्कत भी थी, अब क्या कॉल है आपका? देखिए, हमारे कवरेज में तो नहीं है, पर इंडिगो में जिस तरह का हमने करेक्शन देखा है उसके सामने हम समझते हैं कि प्राइसिंग प्रेशर तो थोड़ा बहुत रहेगा, बट ओवरऑल जो ग्रोथ है पैसेंजर ट्रैफिक की वो काफ़ी अच्छी है, और कंपनी ने अपना जो ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह है काफ़ी सक्सेसफुली मैनेज किया है, तो रिस्क रिटर्न के तौर पर और बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ लीडरशिप पोजिशन जो इंडिगो की है वो हिसाब से हमें वो स्टॉक में काफ़ी कम्फर्ट दिख रहा है, और डेट भी बैलेंस शीट पर ज़्यादा नहीं है,
तो विद इन द सेक्टर इंडिगो डेफिनेटली काफी अट्रैक्टिव लग रहा है. ओके, तो एविएशन में इंटरेस्ट ऑफ कोर्स बना हुआ है. आज देखिए वो स्टॉक सुबह से भागा, दोपहर में भी थोड़ा सा ऊपरी लेवल से दबाव आया, लेकिन 1130 डेज हाई पर है. इंटर ग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट भी आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि स्पाइस जेट आज हमारे गोल के कैप्टन की टीम में शामिल था मुझे याद है, और उसमें भी दमदार तेजी देखने को मिली. खुलते ही फटा वो शेयर भी, मैं स्पाइस जेट की बात कर रही हूँ, उसमें भी अभी भी काफी मोमेंटम बना हुआ है. तो एविएशन कंपनियों ने उड़ान भरी है आज नर्म होते कच्चे तेल को देखकर. स्पाइस जेट आपकी स्क्रीन पर 3% ऊपर, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर ये स्टॉक काफी तगड़ा और काफी अग्रेसिव प्लेयर साबित हो रहा है राजेश सातपुते. इनफैक्ट आज सुबह में हम चर्चा कर रहे थे कि डिफेंसिव माना जाता है, लेकिन ये सेंटर फॉरवर्ड की तरह खेल अच्छी तेजी दोनों ने आज सपोर्ट करा भारतीय बाजारों को. और लार्सन एंड टूब्रो और एचयूएल ये वो स्टॉक्स थे हेवी वेट के लिहाज से जिन्होंने आज बाजार की खास तौर पे मदद करी. मिड कैप कंपनियों में भी आप देखिए ऊपरी लेवल से भारी गिरावट देखने को मिली है. इंडेक्स 96 अंक टूटा, लेकिन कुछ स्टॉक्स जिन पर आपने तेजी का कॉल लिया और आपने सीएनबीसी आवाज के साथ कमाई की है, बलरामपुर चीनी, इंटरग्लोब एविएशन, एमआरपीएल, अरविंद, माइंडट्री, कर्नाटका बैंक टारगेट हिटुआ 127 के लेवल पर पहुंचा, और साथ ही साथ डीसीबी और एस्कॉर्ट, ये कुछ स्टॉक्स है जिनमें हमने देखा आज भरपूर तेजी. एमआरएफ भी एक तगड़ा खिलाड़ी तेजी का था, मैरिको में भी अच्छी खासी खरीदारी हुई है. फाइनल क्लोज आएगा, लेकिन प्रोविजनल क्लोज आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे. देखिए 11016 लो के करीब ही जाकर टिका है आज निफ्टी, लेकिन 11000 के लेवल पर कंफर्टेबल हो चुका है निफ्टी बैंक. एक्सपायरी के दिन वॉलिटिलिटी बढ़ी और आखिरी एक घंटे में बिकवाली का दबाव तो 27000 के नीचे आए, 26975 के लेवल्स, और मिड कैप इंडेक्स ये इनफैक्ट मुनाफा वसूली का शिकार हुआ, 150 पॉइंट से ज्यादा का एक्शन था. फाइनल क्लोज देखिए 96 पॉइंट नीचे, तो लगभग ऊपरी लेवल से 200 पॉइंट का करेक्टिव मूव देखने को मिला है इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने, वो थोड़ा सा बिगाड़ा जरूर है. यूपीएल, वेदांता, बजाज ऑटो जैसे आशीष मेंशन कर रहे थे, और इंफोसिस ये कमजोर कड़िया रही हैं जिन्होंने बाजार पर दबाव डाला, हाइस पर टिकने नहीं दिया. चलिए इसी के साथ लेंगे इजाजत. बहुत बहुत शुक्रिया राजेश अग्रवाल, राजेश सातपुते और संदीप वागले, आप सभी का हमारे लिए समय निकालकर आज स्ट्रैटेजी समझाने के लिए और स्टॉप पिक्स देने के लिए. देख लेते हैं फिर गोल में आज कौन जीत रहा है. क्लोजली कंटेस्टेड और नीरज लीड करते हुए ऑलमोस्ट 1% के रिटर्न, लेकिन हेमंत के भी 3/4% के आसपास के आज के रिटर्न्स. तो मार्केट वोलेटाइल था, उसके बावजूद कैप्टन्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए आपको. और नीरज की टीम में जो टॉप परफॉर्मर्स थे सुबह, तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनी नीरज के रडार पे थी. सुबह ही बोला था उन्होंने अच्छी तेजी होगी, और बीपीसीएल एचपीसीएल पोर्टफोलियो में इनफैक्ट मैरिको जैसे काउंटर पे भी दाव लगाने को कहा था. एफएमसीजी स्पेस अट्रैक्टिव होगी आज के लिए, 2% का उछाल वहां पर. हेमंत की टीम में फिनोलेक्स, अच्छा उनका तो खैर आज पूरी तरह से कच्चे तेल पे फोकस था, और इसीलिए आप देख रहे हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जो पाइप लाने का काम करती है, स्पाइस जेट क्योंकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल के लिए अच्छी खबर, जेके टायर क्योंकि इनके लिए रबड़ कमोडिटी और साथ साथ क्रूड डेरिवेटिव से फायदा, वीआईपी इंडस्ट्रीज ये भी क्रूड डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, इन सबको फायदा होना था. और देखिए आपकी स्क्रीन पर सब में 1.5 से लेकर 2.5% तक का उछाल.